वेलकम बैक टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। तो हम फर्स्ट डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बताएंगे। डाइपोल मोमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? पोलैरिटी के लिए। पोलैरिटी माने डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हमें डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है को सिंबल म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या चार्ज है, डी क्या है डिस्टेंस है। जैसे आप HCl है, HCl है, H में क्या है प्लस चार्ज होता है, Cl में क्या होता है माइनस चार्ज होता है। तो इनके बीच एक चार्ज होगा, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे क्या है माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस L है, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस d मान लिया गया है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू का ऑर्डर कितना 10 के पावर माइनस 10 होना चाहिए, डिस्टेंस 10 के पावर माइनस 8 के ऑर्डर के होना चाहिए। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। और जनरली डायपोल मोमेंट यूनिट क्या होती है, डिवाई होती है। 1 डिवाइड इक्वल टू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर और 3.3 × 10⁻³० कूलम मीटर होता है। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट डिवाई होती है और ESU सेंटीमीटर भी होती है, कूलम मीटर भी होती है। अगर कूलम मीटर में क्या होता है 3.3 × 10⁻³० कूलम मीटर होते हैं। तो डायपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, पोलैरिटी डेवलपमेंट के लिए, मैं डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हुई। तो डायपोल मोमेंट को हम डेवलप जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए CO2 है, CO2 दिया हुआ है, कार्बन के कितने एटम है एक एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है दो एटम है। अब आप जानते हैं कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड दिस इज शिफ्टेड देन नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। तो पोलैरिटी बाय पोलैरिटी मतलब इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, दिस इज द कॉल्ड पोलैरिटी। तो पोलैरिटी डेवलपमेंट करने के लिए हमें डायपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। नाउ अब डायपोल से HI दिया हुआ है, HBr, HCl, HR, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कितना 0.4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.7 है, HCl क्लोरीन में कितना है 0.9 है, HF में कितना है 1.9 है। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। दीजिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा इंक्रीज होता है। दिस इज द पोलैरिटी डेवलपमेंट करने का प्रोसेस था डायपोल मोमेंट। हाउ कैन बी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल CCl4, CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो कैसे होगा? सी कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, क्लोरीन इज अ बॉन्डेड एटम, क्लोरीन आपका बॉन्डेड एटम है, वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। डायपोल की डायरेक्शन में सब पॉजिटिव से कहां के नेगेटिव की होती है, तो यहां पे दी जा डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन आर अपोजिट टू इच अदर, दैट नाइट डायपोल मोमेंट इज जीरो। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल N2O2H2 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, NH3 का डायपोल मोमेंट होगा। वाटर में एक लोन पे है, अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर जाएगा ऑक्सीजन की ओर जाएगा, ये भी ऑक्सीजन जाएगा और लोन पे अब जाएगा, डायरेक्शन सेम है इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होगा। अमोनिया का भी होगा। तो देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट होते हैं, अनसिमेट्रिकल या नॉन पोलर के डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं। अब अगर दो डायपोल मोमेंट या रिजल्टेंट डायपोल आर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2μn cos थीटा। ये फॉर्मूला से हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आपके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है। नाउ नेक्स्ट पेज रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आपको बताएगा। म्यू आर अगर थीटा 180 है तो म्यू आर क्या होगा, म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाएगा। अगर थीटा आपका जीरो है तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू वन प्लस म्यू टू। इस केस में मिनिमम होता है, इस केस में क्या होगा मैक्सिमम। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, डायपोल मैक्सिमम होता है। अब क्या एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन वी डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या पोलैरिटी मतलब होता है, कैसे डिसाइड करते होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है।
नेक्स्ट डिटरमाइन परसेंटेज यानी करेक्टर डिसाइड करती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, म्यू मीन डायपोल मोमेंट, इट इज नोटेड बाय डायपोल मोमेंट इनटू 100। इससे हम परसेंटेज यानी करेक्टर डायपोल मोमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कि कुछ देयर सम क्वेश्चन ऑन द डायपोल मोमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर देयर सम क्वेश्चन ऑन द डायपोल मोमेंट, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑन डायपोल। आपको पहला मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। अभी आपको बताया कि अगर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायपोल मोमेंट इज ज्यादा होगा, सीएचथ्री का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, फिर उससे कम सीएचथ्रीसीएल का, सीएचथ्री भी आएगा, सबसे कम सीएचथ्री का। तो डायपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगा तो ज्यादा होता है। तो आपका फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डायपोल मोमेंट इज मोर। आपका दूसरा बीएफथ्री दिया H2S दिया H2S, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रो, तो आपका पहला H2O होगा, फिर H2S, फिर बीएफथ्री। दीज आर द क्वेश्चन ऑन द डायपोल मोमेंट, दिस टॉपिक ऑन द डायपोल। नाउ थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल।